सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मैं आपके सामने यूपी पुलिस का जो कटाफ अभी जो ऑफिशियल कटाफ निकला है उसको लेकर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने एक कटाफ से रिलेटेड एक वीडियो आपको पहले से ही अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर और उस कटाफ में मैंने जितना भी कुछ बताया था जिसके आधार पर मैंने कटाफ निकाला था सेम टू सेम उतना ही कटाफ जो है ऑफिशियल कटाफ के रूप में निकला है। बहुत लोगों ने वीडियो को देखा था और वीडियो को देखने के बाद अपना अपना कमेंट्स किया था। कुछ कमेंट्स सही भी थे और कुछ कमेंट्स गलत भी थे। कुछ अच्छे भी कमेंट्स किए गए आप लोगों के द्वारा और कुछ गलत भी कमेंट्स किए गए, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ऑफिशियल कटाफ जो है वो सेम टू सेम वही निकल कर आएगा जो मैंने पहले बताया था। तो आज आप उस कटाफ को देखिए और इसके बाद मेरा जो वीडियो पहले मैंने अपलोड किया था कटाफ को लेकर उस वीडियो को भी एक बार पुनः देख कर देखिए कि क्या वो कटाफ जो मैंने बताया था वैसा ही कटाफ इन्होंने निकाला है कि नहीं निकाला है। चलिए हम आपको कटाफ दिखाते हैं कि कटाफ क्या निकल कर आया है। कटाफ जो निकल कर आया है वो कुछ ये है, जो कि अनारक्षित है, जो कि जनरल कैंडिडेट है, उनका कटाफ 225 है और मैंने बताया था कि कटाफ 210 से 230 के मध्य में ही रहेगा और बहुत लोगों ने कहा था कि क्या आप 230 कर पाएंगे क्या, और देखिए क्या कटाफ उतना निकला है कि नहीं निकला है। 210 से 230 के बीच में मैंने कटाफ बताया था जनरल का, उतना ही कटाफ देखिए यहाँ पर निकल कर आया है। इसके बाद मैंने पिछड़ा वर्ग का भी कटाफ बताया था, क्या बताया था, सेम टू सेम वही निकल कर आया है। इसके अलावा मैंने कटाफ जो है वो एससी के लिए और एसटी के लिए बताया था, सेम टू सेम वही कटाफ निकल कर आया है। तो आप जो है अपना कटाफ जो निकल कर आया है उसको देख लीजिए और लास्ट वीडियो को भी देख लीजिए और इस कटाफ के आधार पर आप अपने सिलेक्शन को देखिए। कुछ ही समय के पश्चात अभी रिजल्ट आने वाला है, लगभग आधे घंटे से एक घंटे का समय लगेगा, रिजल्ट अभी आपकी ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो जाएगा और आप अपना जो है रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। इस बार रिजल्ट के रूप में नंबर भी शो किए जाएंगे, नंबर पे आपको देखना है कि क्या नंबर जो कटाफ में दिए गए हैं उतना कटाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस बार का कटाफ सबसे ज़्यादा कटाफ गया है क्योंकि एग्ज़ाम जो था वो 4 शिफ्टों में हुआ था और पेपर का जो पैटर्न था वो बहुत ही सिंपल रखा गया था, इस आधार पर कटाफ जो है बहुत ही हाई गया है। डेढ़ गुना लोगों को बुलाने की बात हो रही है, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जितनी भर्तियाँ हैं उसके डेढ़ गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो लगभग आप मान लीजिए कि 1 लाख कैंडिडेट जो हैं वो अगले जो स्टेप होने वाला है फिजिकल और वेरिफिकेशन उसके लिए आगे 1.5 लाख मीन्स 1 लाख लोगों को बुलाने की उम्मीद है, इतने लोग बुलाए जा सकते हैं। क्या रिजल्ट रहेगा अभी 1 घंटे बाद पता चल जाएगा, तो आप सभी लोग रिजल्ट से जुड़े रहिए और लगातार ऑफिशियल साइट को देखते रहिए। कोई भी जानकारी आती है तो उसको लेकर मैं आपके सामने अभी उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।